हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आईएएस किचन वंस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजू अय्यर। आज आईएएस किचन में हम करेले की सब्जी बनाएंगे। करेला जो है वो एक हेल्थी वेजिटेबल है और इसमें इतने सारे गुण हैं, तो हम इसका अभी सब्जी बना रहे हैं। हमने एक पैन यहाँ चढ़ा दिया है। पैन में हमने डाला है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तेल को अभी हम गर्म होने देते हैं। तेल अब गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई प्याज। हमने यहाँ 2 मीडियम साइज प्याज लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे करी लीव और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। Then we add a little bit of salt ताकि हमारा प्याज जो है वो जल्दी पक जाए। अब हम प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक भून के लेते हैं। प्याज यहाँ भून रहा है। इन द मीन टाइम हमने यहाँ करेले को साफ करने के बाद उसका अंदर का बीज निकाल दिया है और इस तरह हमने काट के लिया है। वी आर यूजिंग अबाउट 1/2 kg ऑफ करेला। अब प्याज यहाँ ब्राउन होना शुरू हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई करेला। करेला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ हल्दी पाउडर और कुछ नमक। हमने पहले प्याज में नमक डाला था, अब हम सब्जी के लिए जितना चाहिए उतना हम नमक डालेंगे। अच्छी तरह इसे मिला लीजिए। गैस को हम मीडियम रखते हैं। अभी इसे हम ढक कर पकाएंगे। अब के लिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। नमक हमने डाला है तो करेला से पानी छूटेगा और उस पानी में हम करेले को पकाते हैं। बाद में अगर ज़रूरत पड़ने से हम इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। करेला जो है आराम से पक रहा है। थोड़ा पानी की ज़रूरत अब पड़ेगी तो हम हल्का सा पानी इसमें डालते हैं। इसे ढककर पकाएंगे। करेला पकने दीजिए। इन द मीन टाइम हम एक ड्राई मसाला करके लेते हैं। ड्राई मसाला करने के लिए हमने एक पैन चढ़ा दिया है यहाँ। पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया। फिर हम उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच चना दाल। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। फिर उसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच मेथी। फिर उसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल। उसमें हम डालेंगे 2 लाल मिर्च और इसमें डालेंगे कुछ 7-8 काली मिर्च। इसको हम ड्राई रोस्ट करके लेते हैं और ड्राई रोस्ट होने के बाद इसे ठंडा करके हम एक पाउडर बना के लेंगे। ज़्यादा हमें पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दरदरा हम पीस के लेंगे। मसाला को हमने इस तरह दरदरा पीस के लिया है।
6-7 मिनट से सब्जी हमारा पक रहा है, देखते हैं क्या हाल है। यस, सॉफ्ट होना शुरू हुआ है लेकिन अभी भी पूरा पका नहीं है, तो हम और थोड़ा देर के लिए इसे पका के लेते हैं। सब्जी ऑलमोस्ट हो चुका है तो इस स्टेज पे हम डालेंगे ये जो पीस के रखा था मसाला, हमने ड्राई मसाला वो डालेंगे इसमें। इसे अच्छी तरह मिला दीजिए। मिला लेने के बाद हम इस सब्जी को एक 6-7 मिनट ओपन पैन में धीमे आग में पका के लेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी लोग ये सब्जी बनाते हैं तो इसमें काटने के बाद नमक और हल्दी डालकर इसे रेस्टिंग करके इसमें जितना पानी निकलता है वो निकाल कर फेंक देते हैं, इसका कड़वापन कम करने के लिए। करेला का खूबी ये है कि वो कड़वापन जो है वही उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू है, तो ऐसा आप मत कीजिए। आप IAS किचन में हम जिस तरह पका रहे हैं वैसे आप सब्जी को बनाइए, बहुत टेस्टी भी है और इसका जितना भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो पूरा उसमें रिटेन भी होगा। 5-6 मिनट से सब्जी जो है वो ओपन पैन में पक रहा है। यस, और सब्जी इज डन। अभी हम इसमें थोड़ा सा शक्कर डालते हैं। शक्कर डालने से इसका स्वाद जो है वो बैलेंसिंग हो जाती है। और इसमें हम अभी कोरिएंडर लीफ डालेंगे गार्निशिंग कर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और सब्जी इज डन। अभी गैस बंद करके हम इसे डिश आउट कर सकते हैं। हमने सब्जी को इस तरह प्लेटिंग किया है। बहुत हेल्थी और स्वादिष्ट डिश है, आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आज सब्जी बनाया हेल्थी वैरायटी ऑफ करेला आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर हम इस वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले बार और एक मज़ेदार डिश लेकर हम आएंगे, तब तक के लिए बाय।